बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग जोग भजन पंजताली वैरागी विरुह जा बिछाणा बिछाइन। वैरागी विरुह जा बिछाणा बिछाइन। करे जुगत जी अखे जुगत सा जगाइन। जुगत सा जगाइन। जुगत सा जगाइन। वैरागी विरुह जा बिछाणा बिछाइन। वैरागी विरुह जा बिछाणा बिछाइन। फिरन जे पसण जा पका पह पचाए। सुपेरन जे सिकमे सजो तन सुकाइन। ओ करे जोहद जिये के जोगद सा जगाइन। करे खेला खुशियों दुनिया जो सभे। खेला खुशियों दुनिया जो सभे। रोई राम के थारम जसा रिझाइन। करे जोहद जिये के जोगद सा जगाइन। खल कजे खल लखा करे ख्याल खाली। खल कजे खल लसा करे ख्याल खाली। करे ख्याल खाली। करे ख्याल खाली। रखी शौक दिल में धनिया खे ध्यान। करे जोहद जी अखे जो गद सा जगाइन। मोह बजे छे हठ हुअण खे। वजे मिलण लाइ छे हठ हुअण खे। छे हठ हुअण खे। हठ हुअण खे। कहे ते हूं कंधड़ा कुर बसा कपाइन। करे जोहद जी अखे जोगद सा जगाइन। वैरागी विरुह जा बिछाणा बिछाइन। वैरागी राग जोग भजन 45। वैरागी विरुह जा विछाणा विछाइन। जिनके हृदय में वैराग्य वृत्ति जागृत हुई, संसार से मन विरक्त हो गया, ईश्वर परमात्मा के चरणों में लगा, वो प्रेम के बिछौने पर ही सोते हैं। प्रेम का ही बिछौना बिछाया है उन्होंने, उसी पर विश्राम करते हैं, अर्थात प्रभु प्रेम में दिन रात मगन रहते हैं। करे जोहद जी अखे जुगत सा जगाइन। और अपने ही मन के साथ युद्ध करके अपने हृदय को जगाकर ईश्वर परमात्मा से जोड़ते हैं। पिरन जे पसण जा पक्का पह पचाए। दृढ़ निश्चय कर लिया उन्होंने कि परमात्मा का प्रियतम का जरूर दर्शन करना है, उनसे मिलना है। उनसे मिलने का पक्का निश्चय किया। सुपेरन जे सिक में सजो तन सुकाइन। अपने शरीर को तितिक्षा तपस्या के द्वारा तपा करके
वे भगवान के भजन में लीन है, ईश्वर के प्रेम में लीन है। चले खेल खुशियों दुनिया जो सभी, संसार के प्रपंच के सब आनंद को त्याग के, बाहर के सब सुखों का त्याग करके, रोई राम खे था रमज सा रिझायन। रो रो करके अश्रु धारा बहा के उस परमात्मा को वो रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं। खलक जे खलल खां करे ख्याल खाली, संसार के प्रपंच से अपने मन को उन्होंने हटा दिया। विषयासक्त वृत्ति का त्याग करके प्रभु परमात्मा की आसक्ति उन्होंने मन में बसाई। रखी शौक दिल में धनी अखे ध्यान, बहुत प्रेम रख करके उस परमात्मा का ध्यान सुमरण करते हैं, उसी में वे मगन रहते हैं। मोह बजे मिलन लाए उस महबूब प्रीतम से मिलने के लिए, अपने अहंकार को, अपने देह अध्यास को और अपने अहंता ममता को उन्होंने त्याग दिया। कहे टेहूं कंधड़ा कुर्बसा कपायन, प्रेम से अपना सर्वस्व वो कुर्बान कर देते हैं, इस सिर को भी कुर्बान कर देते हैं ईश्वर के चरणों में। शरीर से भी ममता बाकी नहीं रही और ईश्वर के चिंतन में मगन होकर दिन रात उसी का ध्यान करके उसी के आनंद में वे सर्वदा लीन रहते हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेमसा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लाओ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।